141, और भाग अगर हम 20 से करते हैं, डिवाइड करते हैं, देखो 7.5, मतलब कि 7 रुपये पर किलोमीटर का दे रही है मुझे रैपिडो। ठीक है, सच बताओ भाई, नॉर्थ ईस्ट को लेकर मेरी अलग सोच थी, एक अलग नजरिया था मेरा, लेकिन इस भाई ने सच में गंदा साबित कर दिया उसे। नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना कि नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो या वेस्ट हो, कोई भी हो, पैसे के मामले में जब पैसे की बात आती है तो सारा बेईमान हो जाता है। मतलब सारा का तो नहीं पता, लेकिन 99% लोग क्या हो जाते हैं, बेईमान निकल जाते हैं, मेरा ऐसा ही मानना है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं रैपिडो में काम करने गया था, और मैं आप वीडियो में खास सुनना, वीडियो में पूरी सुनना आप, कि जो लास्ट राइड थी मेरी, जो एक नॉर्थ ईस्ट था मेरा, जो बोलते हैं ना, जो चाइनीज जैसा लगता है, नेपाली जैसा लगता है, उन लोगों के साथ था। जो नॉर्थ ईस्ट होते हैं उनको लेकर मेरी क्या सोच थी, मैं क्या सोचता था उन लोगों को लेकर, वो आपको उस वीडियो में आपको दिख जाएगा, क्योंकि मैंने उसके बारे में उससे पूरा डिटेल से बात की थी कि भाई उसे ऐसे मत बोलो, उसे वैसे मत बोलो, वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन सच में भाई उसने मेरा गलत साबित कर दिया। अब हो सकता है कि यार चोर उचक्के तो कहीं भी हो सकते हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट में चोर उचक्का ही हो, लेकिन सच बताऊं तो मेरा जो हेल्प करने का नजरिया था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अभी देखो आप उस वीडियो में आगे मैंने क्या किया है और उसने क्या किया मेरे साथ, कि यार कुछ पैसों के लिए इतना बेईमान हो गया वो, उसने ऐसा कर दिया। चलो देखते हैं वीडियो में क्या होता है। इसमें जाऊं? नहीं नहीं यार। तो किधर जाना है बताओ? ये 18 रेस्टोरेंट कौन सा होगा मंगल जी? 18 रेस्टोरेंट, 18 रेस्टोरेंट पंजाबी बाग तो बहुत बढ़िया है ना भैया, ये बता, आपको ये डालना चाहिए था रेस्टोरेंट का डायरेक्ट नाम, पंजाबी बाग। अभी मैंने वही डाला है, अभी देखो अब मैं वहीं पहुंचूंगा डायरेक्ट। यहाँ रख दो फिरोज भाई, 194 हो गया आपका। यार इससे चलो समाप्त करते हैं भाई, कैश ले लिया है हमने, और देखो इस पे कितने मिलते हैं हमें। देख लो 20 किलोमीटर था मेरा और 194 रुपये की टोटल राइड थी, जिसमें कट के मुझे मिले हैं 141 रुपये। ठीक, तो हम लोग जहाँ थे चलो वहाँ जाते हैं। कितना है? 141, और भाग अगर हम 20 से करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो देखो 7.5, मतलब कि 7 रुपये पर किलोमीटर का दे रही है मुझे रैपिडो। ठीक है, मतलब पर किलोमीटर 7 रुपये, ये है अपनी कहानी रैपिडो की। क्या लोकेशन की तरफ ही आ जाओ? हाँ हाँ, मैं लोकेशन पे ही आ रहा हूँ। ठीक, तो भाई ओला में आ चुकी है अपनी राइड पहली, वो भी। हेलो सर, ये लोकेशन पे खड़ा था मैं, रेड लाइट टाइप से है, यहाँ पेट्रोल पंप भी है। जी तो भाई 9:18 हो रहे हैं, और मैंने माई रूट बुकिंग कर ली थी कि भाई मुझे अब घर जाना है, काम नहीं करना है, क्योंकि भाई देख लो, मैं दिखा दूंगा, मेरी जो राइड कंप्लीट हुई थी 8:15 लगभग, 8:30 मेरी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मुझे तब से राइड मिल ही नहीं रही थी, तो सोचा मैं चलो भाई रूम चलता हूँ। तो बस माई रूट बुकिंग करवा ली मैंने, और अभी मेरे रूट की बुकिंग आ गई है, तो भाई बस अब चलना है। रॉबिन्सन, इस बंदे को जरा याद रखना, ध्यान से रखना, और जितना हो सके उतना वायरल करना, कि मुझे, मैं सच बताऊं भाई, नॉर्थ ईस्ट को लेकर मेरी अलग सोच थी, एक अलग नजरिया था मेरा, लेकिन इस भाई ने सच में गंदा साबित कर दिया उसे। अब देखो भाई, चोर उचक्के तो हर जगह होते हैं, तो शायद नॉर्थ ईस्ट में ये एक चोर हो, पता नहीं मुझे, लेकिन देखो आगे चल के क्या होता है। रॉबिन्सन, ऑनलाइन है ना आपके पास? ऑनलाइन है ना? हाँ ऑनलाइन। 7085। ठीक है, इतना अच्छा से ये बंदा पेश आया मेरे से, कि पूरे रास्ते भर मेरे से बात करते आया। मेरे नंबर पे करवा देना, ठीक है? क्या? मेरे नंबर पर पेमेंट करवा देना।
उनको बोलना मेरे नंबर पे करने के लिए। देखो भाई वैसे तो आ गया हूँ मैं अपने रूम के आसपास, तो मैं अभी जाऊँगा और उस भाई को उनके दोस्त ने बताओ, उनके दोस्त ने उनको बोला कि मैं ना तू जा मैं पेमेंट कर दूंगा, और अभी उसका दोस्त फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा और वो परेशान था, तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है आप रूम पर जाओ, मैं आप जब आपको मिल जाए तो आप मुझे पेमेंट कर देना, ठीक है। 125 रुपये का ये था अपना राइड। तो भाई अब हो गया है अपना रूम जाने का टाइम, तो मैं चलता हूँ अब रूम पे। और मैं जानता हूँ भाई ये जितने भी उधर नॉर्थ ईस्ट होते हैं, चाहे मणिपुर हो, असम हो, या वो जितने भी नॉर्थ ईस्ट हैं, उन्हें जो लोग सच में बहुत सारी मूवी होती है उसमें बताया जाता है कि उन्हें मोमोज, चाइनीज़ नूडल्स ये कह के बुलाया जाता है। अरे ठीक है यार, वो कहते हैं ना कि किसी को अगर कम हिंदी आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कम भारतीय है। ये मूवी आई थी ना वरुण धवन की, उसका डायलॉग है, बात सही है यार। इन्हें बहुत चिढ़ाया जाता है हमारे इंडिया में ही, हमारे भारत में ही, क्यों यार? ये इंडियंस हैं, इन्हें थोड़ी इज्जत दो यार। थोड़ी क्या, जितना इज्जत तुम खुद को चाहते हो ना एक इंडियन होने के नाते, उतनी इज्जत इन्हें भी दो, क्योंकि ये भारतीय हैं, इन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है ये बात। ये सच में है भाई, हमारे भारत के लोग हैं और ये बहुत प्यारे होते हैं। एक बार इनकी कोई हेल्प करके देखो, इनसे प्यार से बात करके देखो, ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट होते हैं आपके लिए कुछ भी कर देंगे। ये बहुत दिल के सिंपल होते हैं, बहुत दिल के अच्छे होते हैं यार। तो बस यही कहना चाहूँगा कि हम सब इंडियंस हैं यार, चाहे हम नॉर्थ से हो, साउथ से हो, वेस्ट से हो, ईस्ट से हो, कहीं से भी हो, हम लोग सारे इंडियंस हैं।